थोडं थांबवतो. आपल्याबरोबर मनेका गांधी आहेत. प्राणी, प्राण्यांचे हक्क या सगळ्या विषयांना घेऊन वारंवार त्यांनी आवाज उठवलेला आहे. त्या खात्याचा मंत्री म्हणून त्यांनी पदभार कायम सांभाळलेला आहे. मनेका गांधीजी, ये व्हिडिओ आपने भी देखा होगा, आप क्या कहेंगे? जी ऐसे है कि इससे पहले अभी एक केस हुआ था बिहार में, जहां ऐसे ही एसीबी ने एक नील गाय को उठा करके एक खड्डे में डाल दिया और जिंदा था, और फिर उसके ऊपर सब मिट्टी फेंक दिया. उसी तरीके से यहाँ उन्होंने एक सांड को जो मारा है, वो जो चला रहा है मशीन, उसको एकदम नौकरी से निकाल करके सेक्शन 428-429 में 3 साल का जेल है. ये जरूरी है. अभी अभी हमने उड़ीसा में एक ड्राइवर को पकड़वाया जिसने 4 जानवरों के ऊपर अपनी गाड़ी चलाई. अभी वो अरेस्ट हुआ है आज शाम को. उसी तरीके से ये आदमी जिसने चलाया है सांड के ऊपर, उसको एकदम अरेस्ट करना चाहिए. जी, इस बात का कॉग्निजेंस लेना बहुत जरूरी है. आपकी तरफ आगे आप किस तरह से आवाज उठाने वाली हो इस घटना को लेकर? नहीं, अब आपके जरिए उठा रही हूँ. इसके पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में. जी, लेकिन अब मैं जाकर के देखूंगी. अगर किसी ने जेसीबी के साथ सांड को मारा है तो सीधा उसको जेल में डालना चाहिए. अगर आपके पास डिटेल्स है कि ड्राइवर कौन है, तो मैं इसको फॉलो अप कर दूंगी. जी, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप तक ये जानकारी हम पहुंचा पाए. पर हम अब अभी चर्चा करते करते हम इस मुद्दे पर आए हैं कि अगर आदमी रिटायर्ड हो सकता है तो जो जानवर है वो भी रिटायर हो सकता है. इस बारे में आपकी क्या भावना है? कहाँ से रिटायर करना आपको बेटा? जैसे जैसे कि वो घर में अगर वो फार्मिंग में यूज हो रहा है तो वहां से भी उसे हम अगर वो थक गया है तो हम जो ऐसे है कि इंसान इतना दुष्ट हो गया है कि जानवर को रिटायर करने के बजाय 2 चीजें करता है. या तो उसको सड़क पर फेंक देता है, या तो उसको कसाईयों को बेच देता है. इसको रिटायरमेंट बोलते हैं जानवरों का. आर्मी में और पुलिस में तो गोली मार देते हैं कुत्तों को. अभी हमने रुकवा करके अभी हमने कहा है कि ये सारे कुत्ते एनजीओस को दिए जाएंगे. मनेका गांधी जी, और एक सवाल ऐसा था कि क्या कानून का डर नहीं रहा लोगों में? अब सवाल ये कि अगर आपका कानून तगड़ा हो तो डर हो ना. अगर पुलिस जाने अपने कानून को तो कोई डरे? पुलिस ज्यादातर अपने कानून को जानते भी नहीं है. उनको एक केस रजिस्टर करवाना जानवरों के मामले में बहुत मुश्किल हो जाता है. एक दफा रजिस्टर हुआ तो तगड़ा एक्शन हो जाता है, लेकिन पुलिस को बहुत सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है. ऐसे जो जानवर है जिनकी समस्या है, उनके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? मतलब ये जो जानवर है, इस तरह के जो जानवर है जिन्हें संभाला नहीं जा सकता फार्मर की तरफ से, या उनको खिलाने पिलाने की उनकी सिचुएशन नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? देखिए, वहां तो कई स्टेटों ने गौशाले खोले हैं, वो उल्टे सीधे चल रहे हैं, लेकिन गौशाले खोल तो रहे हैं. सूखा जानवर जा सकता है. धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. आपल्याबरोबर माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी होते. त्यांनी असं म्हटलं की याबद्दलची माहिती न्यूज 18 लुकमधने आमच्यापर्यंत पोहोचवावी आणि आम्ही त्याबद्दल निश्चितपणे पुढे कारवाई करण्याच्या दृष्टीने म्हणून आवाज उठवू सभागृहात.